अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको मैंने वनीला कस्टर्ड बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तीन ऑर्पर ले लिए हैं, तीन ऑर्पर, और मैंने एक कप ले लिया है, एक स्पून ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी रफान वनीला कस्टर्ड, और उसके बाद मैं इसके दूँगी पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे इसको। मैंने ये 2 चम्मच लिया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लंग्स ना रह जाएं। उसके बाद मैंने एक पतीली रख दी थी पैन चूल्हे पे, उसके मैंने पतीली के अंदर पानी डाल दिया था थोड़ा सा। उसके बाद मैंने अपने 3 डिब्बे दूध के इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ऑल पर्ट्स हमारा जो है क्रीमी दूध होता है, और ये मैं इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर दूँगी, हमने रिजॉल्व करके रखा हुआ था। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारे गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए, और हमने इसको इतनी देर तक चलाना है। हमारे आपको छोड़ के नहीं जाना है कस्टर्ड, वरना आपके लंग्स बन जाएंगे, फिर वो आपको छानना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका कस्टर्ड ख़राब भी हो सकता है। और तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो ये गाढ़ा हो चुका है अच्छे तरीके से, और हम इसको अब डिश आउट कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि हमारे मेहमान आ रहे थे, पॉन पॉन बना रहे थे। डिश आउट करने के लिए मैंने ले लिया था एक बाउल गोल सा, उसके अंदर मैंने अपना कस्टर्ड डाल दिया वनीला कस्टर्ड। उसके बाद मैं इसके अंदर पोमेग्रेनेट डाल दूंगी, यानी अनार डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर केले डाल दूंगी तकरीबन 3 अदद, और अनार मैंने 2 अदद लिए थे। अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि हमारा जो बनाना है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसके बाद मैं एप्पल डाल दूंगी तकरीबन 1 अदद, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले फ्रूट्स को एक साथ मिक्स कर लेना, उसके बाद हमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे, इसको बराबर कर लेंगे। उसके बाद मैं कीवी ले ली है, जो मोस्ट फेवरेट फ्रूट, इसमें रख देंगे। अच्छा, 2-3 कीवी मैंने अभी टूट गई थी, बहुत सॉफ्ट हो रही थी। इसकी हमने बहुत अच्छी डेकोरेशन करने वाले हैं। और उसके बाद मैंने जेली बनाने की रेसिपी नहीं शेयर करी, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो मैंने ग्रीन जेली ले ली थी बनाना में 1 पैकेट, और उसको अच्छे से मैंने ठंडा करके टैकल कर दिया था। उसके बाद मैंने ले लिया ऑल पर्ट्स की डेरी क्रीम, इससे मैं अपने कस्टर्ड को बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकती हूँ। ऐसे ऐसे आप खाली जेली के ऊपर डॉट भी डाल सकते हो, लेकिन आपके पास जो आपके दिमाग पर डिज़ाइन है आप वो कर सकते हो। मेरे दिमाग में ये डिज़ाइन था, मुझे ये आसान लगा, तो मैंने ये अपना लिया डिज़ाइन। तो देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा, डिलीशियस कितना लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा हमारे मेहमानों के अच्छा पसंद आया था, उसकी जो डेकोरेशन थी वो तो नहायत पसंद आई थी। आप स्प्रिंकल भी ला सकते हैं इसके ऊपर, अगर आपको बुलाई नहीं है। अगर आप क्रीम डालना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।